गोबर से कुल्ला करते हैं, मूत से स्नान, सुरक्षा के लिए रखते हैं बंदूक, कौन है ये गाय के दीवाने? दिन में दो बार गाय की मालिश करते हैं, बच्चों की तरह करते हैं परवरिश, मजाल को आंख दिखा जाए। भारत में अगर गाय को माता माना जाता है तो इस देश में दिया जाता है सबसे बड़ा दर्जा। गाय की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। भारत में गाय को माता माना जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां गाय को माँ से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है? मतलब भारत के लोगों की गाय के प्रति आस्था इस देश के लोगों की आस्था के सामने कुछ भी नहीं। दरअसल इस देश के लोग गाय के गोबर से सुबह सुबह उठकर कुल्ला करते हैं, उसके मूत्र से स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, गाय की सुरक्षा के लिए हमेशा एक गनर तैयार रहता है ताकि कोई उसे नजर उठाकर देख न सके। लेकिन ये लोग कौन हैं, कहां रहते हैं, कौन सा देश है और क्यों इतनी सेवा करते हैं गाय की, हर बात आपको बारीकी से बताएंगे और थोड़ी देर तक मेरे साथ इस खबर में जुड़े रहिए। दरअसल ये स्थान है अफ्रीका का दक्षिण सूडान। यहाँ की मुंडारी जनजातीय समूह गाय को प्रतिष्ठा का सवाल मानता है। जब गाय सोती है या आराम करती है तो इस ट्राइब के लोग मशीन गन लेकर पहरा देते हैं, मतलब उसकी रक्षा करते हैं। इन जनजाति के लोगों के लिए गाय उनके परिवार की तरह है और वे लोग इनसे जरा भी दूर नहीं रहना चाहते। बता दें यहाँ की गायों की ऊंचाई 7 से 8 फीट तक होती है। मुंडारी लोग अपने मवेशियों की दिन में 2 बार मालिश करते हैं और अपने पसंदीदा पशु के साथ सो भी जाते हैं। यहाँ भारी भरकम गाय बैलों की कीमत औसतन $500 यानी तकरीबन ₹42,000 होती है। यही वजह है कि इन्हें मारा नहीं जाता बल्कि दहेज या गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, शादियों में ब्राइड प्राइस के तौर पर इन्हें पशुओं को दिया जाता है। वे इस गोबर और गौमूत्र को एंटीबायोटिक से लेकर मच्छरों से सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये उनका स्टेटस सिंबल होता है। गायों की पवित्रता को उनका विश्वास इतना मजबूत है कि वे गौमूत्र की धाराओं के नीचे बैठ जाते हैं, जिसमें अमोनियों की उपस्थिति के कारण उनके बाल नारंगी हो जाते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार इन गायों के गोबर को ढेर करके जला दिया जाता है और इसकी राख को आदिवासी लोग चिचलाती गर्मी से बचने के लिए सनस्क्रीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपने सांस्कृतिक महत्व के अलावा ये लोग बातसी मवेशी जनजात के भीतर स्थिति प्रतीक के रूप में काम करते हैं। उनके उच्च मूल्य के कारण इन्हें शायद ही कभी मांस के लिए बध किया जाता है बल्कि जनजात के सदस्यों के बीच उपहार या दहेज के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। गरीबी से जूझ रहे दक्षिणी सूडान में उनकी चोरी होती रहती है। इसे रोकने की कोशिश में हुए संघर्षों में अब तक 25,000 लोगों की जान जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक साउथ सूडान में हर साल 3,50,000 गायों की चोरी हो जाती है और इसलिए गायों की सुरक्षा के लिए लोग गनर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।